सामने महीना आगो होनी छी कितना है वो तो कहने वालों ने कहा कि मेरे होनी छे मदरसा खोलो तो वाली वाले लोग मदरसा नहीं छे चंदा धंदा जो हो जे बोल जाओ चंदा कर देखा दे जाएंगे बताइए आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर मौजूद है अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया अरे दिया ना बोलो भाई देखने के लिए आंख दिया सुनने के लिए काम दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया नहीं दिया अरे अल्लाह बैठने कुछ दिए नहीं दिए अरे बैठ जाओ भाई देखो सारा अल्लाह ने बैठ गया इधर वाले भी बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह जितने नौजवान खड़े हैं ए बाबू बसे जाओ खाने ওখানে বসে যাও ওখানে বসে যাও আলহামদুলিল্লাহ ইধর ওয়ালে ভি বেঠ যায় আপ মেরে নওজওয়ান আগর জলসা সুনে আয়ে হো আল্লাহ আল্লাহ কে রাসূল কি বাতো কো সুনে আয়ে তো তির জমি কে সাথে জলসে মে বেঠো খড়ে হোকর পক্কর জলসে কো সুনতে রহো মাশাআল্লাহ বড়া আচ্ছা মজমা अल्लाह के आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सारे लोग पढ़ लिए पढ़ लिए भाई हो ही सकता ये हो ही सकता है सब पढ़ लिया फैसल बड़ा वही होगा जिसको याद होगा जिसको याद नहीं वो कहाँ पड़ेगा लेकिन वो भी अपनी इज्जत बचाया है इज्जत बचाना जरूरी है वो भी इज्जत बचाया कि मेरे बगल में ये दुरूद पढ़ रहा हम ना पढ़े तो शर्म की बात है वो भी अपनी इज्जत बचाया कैसे अफसोस का मकाम है बहुत बेचैन है तुझे लेकिन वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा जाएगा अरे कोई जाएगा आएगा लगे एक जगह तब्दील कर रहे थे एक नौजवान खड़ा हुआ मैंने कहा क्या हुआ बोला है दस मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ मैंने कहा क्या हुआ बोला मुझे बहुत जोश लगी हम बैठो नौजवान बर्दाश्त करो भाई वो बैठ गया कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो नजर पड़ी देखा बैठा हुआ है तो मैंने इशारा किया कि बेटा जा बोला नहीं जाऊँ मैंने कहा कह नहीं जाएगा बोले क्या करने जाएंगे जो करने जा रहे थे वो यही हो गया अब जाने की जरूरत नहीं कड़ाके की ठंड है नरम बिस्तरों को छोड़कर गरम बिस्तरों को छोड़कर रजाई हो गए आपको छोड़कर आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं नींद की कुर्बानी करके तो कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं अफसोस का मकाम यह है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो दुरूद शरीफ मैंने पढ़वाया इसमें से मेरे ख्याल से आधे लोगों को दुरूद शरीफ याद होगा आधे लोगों को दुरूद शरीफ याद नहीं होगा मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो मुसलमान हो सना ना आता हो मुसलमान हो सूरह फातिहा ना जानता हो मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो तो ये अफसोस का मकाम है कि खुशी का मकाम सीखिएगा कब्र में फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाल उड़ा देगा सीखिएगा कब्र इसलिए हमारे अकाबिरी ने दो मदरसे खोले हमारे अकाबिरी ने कई मदरसे खोले बोलिए जरा सा दो मदरसे खोले बच्चों के लिए मदरसा फैजुल उलूम हुसैनिया बनाया मकतब बनाया मदरसा दारुल उलूम हलालपुर चौक अमोर बनाया दीगर जितने मदारिस है ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा तबलीग का मदरसा खोला वक्त निकालो वक्त लगाओ कुरान नहीं जानते जान जाओगे नमाज नहीं जानते इंशाल्लाह नमाज सही हो जाएगी वक्त लगाना ना होगा
कहीं पुलाव गोश्त खा करके चादर तान के सो जाना होगा, बोलेगा ए भैया की गोश्त खान पा चल भी रहे उंगली नहीं छुटी रोट चल भी। अल्लाह पूछेगा अल्लाह को क्या जवाब दोगे, अल्लाह सवाल करेगा अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मौजूदा शामिली किराम, मैं इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और एक घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है और हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहु तशरीफ फरमाते, हजरत का हुक्म था कि पहले मेरी तकरीर हो जाती है, इसलिए हजरत बड़ी मसरूफियत रहती है और कब कहां कब किस वक्त फोन आ जाए कहां निकलना पड़ जाए कहना मुश्किल है। इमारत शरिया की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो मेरी तकरीर पहले हो रही है। इंशाल्लाह एक घंटे के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर दुरूद शरीफ याद क्यों नहीं? तो लोग कहते हैं कि मदरसा जे एक महीना आपको इच्छा भोर नहीं छी अजब बंगाली आप लोग समझ रहे हैं ना सुजापुरी है ना, डर नहीं था। मोटरसाइकिल लेके गुजर रहे थे, देखा कि घर है, मोटरसाइकिल लोग का पूछा कि मियां इच्छा एक महीना आपको भोर नहीं छी की बना है भोर? तो कहने वालों ने कहा कि मेरे घोर नीचे मदरसा खुलो, तो वाली वाला मदरसा नीचे चंदा धंदार जो हो जी बोल जाओ चंदा कर देखा दे आलिम ना हो मुफ्ती ना हो हाफिज ना हो कारी ना हो गुजारा है, गुजारा कर लीजिएगा बोलो भाई गुजारा कर लीजिएगा। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उद्योगपति हैं, लाखपति हैं, जो पति हैं सब पति हैं, वो जितना पति सब लगा तो गुजारा है, गुजारा नहीं है, बगैर आलिम का गुजारा है ही नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप मोमिन हैं, अगर गुजारा है कि आप कहिए कि नहीं हजरत बगैर आलिम का बगैर मुफ्ती का बगैर कारी का बगैर हाफिज का हम लोग गुजारा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, हम गुजारा कर लेंगे, हम आपका गुलाम हो जाएंगे, वो रास्ता बता दो अगर मुसलमान है तो। बच्चा घर में पैदा हुआ, मैं बताता हूँ आपको, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में अगर चले भी गए ना वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा भाई, जरा एक मतलब दुरूद शरीफ और पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला ऑपरेटर जो भी ये लाइन ऑपरेटर जो भी है भाई जहां भी है इसको ठीक करो भाई, चलिए संजीदा हो जाए, जरा ध्यान दीजिए मेरी बातों को सुनिए, एक घंटा कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मौलाना साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मुफ्ती साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी कारी साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी हाफिज साहब की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा पैदा हो आप क्या करेंगे? ये लाइन डिस्टर्ब कर रहा आप लोगों को ना, जरा मजमे में से एक नौजवान कोई नारा लगा दो खड़े होकर, कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है मजमे में से खड़े होकर नारा ना लगा दो, कोई नौजवान नहीं है वो? देखिए भाई ये सब क्या बैठा है, तो
अफसोस का मकाम है। बहुत अच्छे नाजिम है भाई, ये जी जलसे में पहुंच जाओ जलसा कामयाब। मानवान साहब क्या हो गया? माइक 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 में भाई देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि आप जहन को हासिल कीजिए, लाइट को मत देखिए, माइक को देखिए। कि माइक भी बड़ा ट्रांटर है, ये माइक वाले से हम कहेंगे कि अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। घर में बच्चा पैदा हुआ, आप क्या कीजिएगा? बोलेंगे की करोगे? किसको बुलाइए? घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइए? मौलाना साहब को बुलाइएगा। कहे बुलाइएगा मौलाना साहब को? अजान देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पहली बात तो आपको खुद अजान देना चाहिए। मुसलमान हो, अजान देना ना आता हो, ये शर्म की बात है कि नहीं बताइए? ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, अजान देना ना जानता। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब दे। अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब इस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा, नाना रखेगा, कौन रखेगा? दादा नाना वो तो भाई खुद नहीं जानता, वो क्या रखेगा? जो खुद नहीं जानता हो वो क्या रखेगा? दादा नाना से रखवाएंगे। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम देखिएगा, पहले का ऐसा ऐसा नाम है कि उस नाम का अगर लोगत किताब खोलिएगा, माना ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। एक 13-14 साल का लड़का एक जलसे में पैर दबा रहा था, खिदमत कर रहा था, दिल से दुआएं निकली। मैंने कहा कि बेटा तीन और बहुत खिदमत कर लो, की नाम सो रहे? बोले नहीं बोलू, वो लाज लागो। बोले नाम बताने में क्या लाज है, बोल तो सही, की नाम चुप? तो बच्चा बोला मोर नाम से फटकर। बोले फटकर की कौन नाम से रहे? केरा ख्याल बोले? बोले मोर दादो का ख्याल की। तो दादो नाम की रहे? बोले मोर दादो नाम से लटकन। दादा दादी नाना नानी से नाम रखवाइएगा तो यही ना होगा, किसी आलिम से रखवाते। हजरत मौलाना मोहित साहब दामत बरकातहू से रखवाते, हजरत मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहू से रखवाते, हजरत मौलाना ईसा साहब दामत बरकातहू से रखवाते, हजरत मौलाना जाबिर साहब से रखवाते, हजरत मौलाना मौलाना साजिद साहब से रखवाते। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अब जहन को हाजिर किए। वही बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब उसको पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल कॉन्वेंट में पहले पढ़ाइएगा, पहले मदरसा पढ़ाइएगा? क्या बोलिए, एक से एक स्कूल खुला बैठा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल जी जाइएगा, क्रिश्चियन वगैरह के जितने भी स्कूल है, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पटना हो, कहीं पर भी, तो इंग्लिश क्रिश्चियन मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को आप एडमिशन करवाइएगा, तो वहां बच्चा बैठकर पेशाब नहीं करता, वहां खड़े होकर बच्चा पेशाब करता। अच्छा, वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, स्कूल में सलाम है, आगे अमोरे ले लीजिए, अमोर नहीं ले लीजिए, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब उस स्कूल में बच्चा को लेके जाइए, सलाम अस्सलाम वालेकुम, बोलो बेटा, बोलो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का सलाम। गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग, शाम का सलाम, गुड नाइट, रात का सलाम। दुनिया पागल, माँ भी पागल, बाप भी पागल, बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग, माँ बोल लो वही बोल बेटा अंग्रेजी बोलो। बाप को बोलाया मुन्नर बाप, दौड़ जल्दी दौड़ 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 की भैया की भैया अंग्रेजी बोलो। बोले बेटा बोल बोल की बोल की बोल बोल बोले बाप गुड आफ्टरनून। बोले बेटा और नाम कर दे रोशन कर दे। हम मना नहीं करते अपने बच्चे को शौक से अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से संस्कृत पढ़ाइए, शौक से हिंदी पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ ताकि उसका ज़हन खुल जाए, उसका दिमाग तेज हो जाए। कोई सब्जेक्ट उसके लिए मुश्किल ना हो बल्कि कुरान के सदके अल्लाह हर सब्जेक्ट को आसान बना दे। 2022 में 1800 मदरसे के हाफिज बच्चों ने नीट का एग्जाम निकाला, डॉक्टर वाला। 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के वो भी हाफिज ने पढ़ा नीट का एग्जाम, जबकि नीट का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर कबीरा, ओ बड़ा टफ एग्जाम होता है। मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जो हाफिज कुरान था, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान था, और कुर्बान जाओ ये लोग जब एग्जाम देने के लिए जा रहे थे ये दुनिया हंस रही थी। लेकिन डॉक्टर बनवा कुरान पढ़ो हाफिज कुरान की मदरसा पहुंची की एग्जाम देवा पाओ कुर्बान जाओ। ये हाफिज कुरान जब बैठा ना हॉल में एग्जाम देने के लिए, बड़ा टाइट एग्जाम होता है, फौज वगैरह सिपाही पुलिस परिंदा भी परना मारे, ऐसा एग्जाम होता है। ये बच्चे एग्जाम दिए, 1800 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नंबर से पास किया, MBBS डॉक्टर बना, सुभान अल्लाह। बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले, देखिए हम तो ये कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ कुरान पढ़ा तो मौका मिले दो तीन साल में हाफिज का कुरान बना दो, फिर उसको इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, साइंस बनाओ, जो बनाना है बना दो, लेकिन सबसे पहले कुरान का कारीगर। बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले गए, हाँ भाई बच्चे के एडमिशन करना है, स्कूल वालों ने स्कूल वालों से मैंने पूछा कि एडमिशन फीस कौन तो आज है, बोले कि 5000 टका लग गया अपना, बताओ बोलो ना 5000 टका एडमिशन फीस इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, 5000, 10000, 15000, 20000 रुपए से कम एडमिशन फीस नहीं है, फिर डोनेशन भी देना होगा, जाइए किशन में डोनेशन भी 50000 रुपए डोनेशन देना होगा तब आपका बच्चा का दाखला होगा स्कूल में। हमारा सब फैमिली लोगों में कितना एडमिशन ये कोटा का नहीं, ये कोटा का नहीं, हम 5000 दे दिए, मेरे बच्चे का नाम लिख दिया गया, हम बच्चे को छोड़ के घर आ गए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A4 मैंने चोटी, B4 बॉल बॉलर लगे, C4 कैट अरे बिल्ली, D4 डॉक्टर को कुत्ता, E4 एलिफेंट हाथी, F4 फॉक्स बोलोगी, H4 एंड एनिमल मुर्गी। अभी 5000 टका दे क्या है उस बच्चा को, मुर्गा मुर्गी कुत्ता भी लिखा। एक नौजवान शादी करके अपनी बीवी को बीमार हो गया, 5-6 महीने के बाद शादी भी थी, बीमार हो गया, तब आखिरी वक्त आ गया, बिस्तर पे है, अपनी बीवी को करीब बुलाया कि ये ना, तो बीवी करीब आई, बीवी के हाथों को ये नौजवान पकड़ा, बोला मेरी बीवी शायद कि कुछ घंटों का मैं मेहमान हूं, हम तुम्हारा साथ निभा ना सके, शायद मैं मौत के आगोश में चला जाऊं, लेकिन मेरी बीवी जानती हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा मेरा पल रहा था, बीवी उसकी हमल से थी, तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा था ना, मैंने इरादा कर लिया था चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसे मैं हाफिज़ कुरान जरूर बनाता।
लेकिन मेरी बीवी मेरी जिंदगी शायद वफा ना कर सके, मैं जी ना सकूं, लेकिन एक वसीयत है, एक वसीयत है मेरी बीवी, अगर मेरी मौत हो जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इसे कुरान जरूर पढ़ा दे। नौजवान वसीयत कर गया, बीवी जार खता रोने लगी, शोहर के मसले को बढ़ाई मेरे सरदार, ऐसा ना बोले आप, अल्लाह की हयात को बढ़ाए, लेकिन दिलासा देना था, लेकिन मौत तो वो अटल फैसला है अल्लाह का, वो कानून है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, ये मेरे रब का कानून है, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया की रीत है, मरने वाला वसीयत किया मर गया और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता रहा, 6 महीने का हमल था, अब वो 9 महीने के अंदर में ये बच्चा इस दुनिया के अंदर में बाहर आया बेटी की शक्ल में, बेटी पैदा हुई, वक्त गुजरता चला गया, और 4-5 साल की ये बच्ची हुई, इसकी माँ को अपने शोहर की वो वसीयत याद थी, और कुर्बान जाओ, एक रोज अपनी बच्ची के क्या कहते बालों में तेल लगाई, और कुर्बान जाओ, बच्चे को कपड़ा पहनाकर इसकी माँ हाथ पकड़ती है, अब बगल के मकतब में लेकर जाती है, हजरत के पास पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है, हजरत इनके बाप की वसीयत थी कि बेटा हो चाहे बेटी हो उसे कुरान जरूर पढ़ना, हजरत आपकी जो भी उजरत है जो भी आपका मेहनताना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरी इस बच्ची को आप अल्लाह का कुरान पढ़ा दो, हजरत ने बहुत अच्छी बात है, हजरत उस बच्ची के हाथ को पकड़े मदरसे के अंदर में बैठाए, कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि वो नौजवान जो इंतकाल किया वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में उसके ऊपर में अजाब हो रहा था, कब्र में उसके ऊपर में अजाब हो रहा था, मैं बैठ जाइए वहीं बैठिए, अजाबे कब्र हो रहा है नौजवान के ऊपर में, हजरत ने इस बच्ची के हाथ को पकड़ा बिठाया, बोला कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो बच्ची बोली मेरा नाम फातिमा है, कुर्बान जाइए, तो हजरत ने कहा बेटा ठीक है, ये किताब है कायदा, कायदा, अब भाई कायदा पढ़ने से पहले हम लोग बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाते ना, तो हजरत ने उस बच्चे को पढ़ाया, बेटा पढ़ाओ ये बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं, लिखने वालों ने लिखा है वो बच्ची तुतली जबान से, 4 साल की बच्ची थी, तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जैसे आया पढ़ती, अल्लाह ने कब्र के अजाब के फरिश्तों से हुक्म दिया इनकी इनके ऊपर अजाब को रोको, अजाब रोको, तो फरिश्ते दंग रह गए, कहा कि मौला कौन सा अमल इन्होंने किया कि अजाब को रुकवा दिया गया, तो मेरे रब ने कहा कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे हम उसके माँ बाप के ऊपर में अजाब नाजिल नहीं करते, क्या इसकी बेटी